अमेरिका पैसे, सेना और डिप्लोमेटिक दखल के मामले में दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश है और वहां का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता है। लेकिन आज के दिन में वो ताकत उसके किसी काम नहीं आ रही। उसका चेहरा लटका हुआ है, उसके चेहरे से बेबसी और लाचारी झलकती है, उसके पास कई सवालों के सटीक जवाब नहीं हैं। अगर भाषा में थोड़ी क्रूरता बढ़ते हैं तो वो किसी रट्टू तोते की तरह कुछ पंक्तियां दोहराए जा रहा है इस लालच में कि उसके सिर पर डोल रही तलवार से पीछा छूट जाए। ये सब किसके साथ और क्यों हो रहा है? ये हो रहा है अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ। नवंबर में उनके थिंक टैंक वाले दफ्तर में और कुछ समय बाद उनके निजी घर से कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए। ये तय कानून के खिलाफ था। 12 जनवरी 2022 को बरामदगी पूरी हो गई। इसके बाद ही ऑपरेशन को लेकर पूरी जानकारी पब्लिक डोमेन में आई। इस देरी को लेकर अमेरिकी मीडिया ने बाइडेन और व्हाइट हाउस को जमकर लपेटा। केंद्र में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने भी पूरे मामले पर बाइडेन को घेरना शुरू किया है। रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके ऊपर ऐसे ही एक आरोप में जांच चल रही है। ट्रंप के घर से 10,000 से अधिक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले थे। कानूनन कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें इन दस्तावेजों को US नेशनल आर्काइव्स को लौटाना था, मगर उन्होंने प्रोटोकॉल को ठेंगा दिखा दिया था। जब से बाइडेन वाली खबर बाहर आई है, ट्रंप अपने ऊपर चल रही जांच को बंद करने के लिए कह रहे हैं। ऐसा होना तो बेहद मुश्किल है। हालांकि अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने जो बाइडेन के खिलाफ जांच जरूर शुरू करवा दी है। बाइडेन ने कहा है कि वो इसमें पूरा सहयोग करेंगे। तो आज के एपिसोड में हम समझेंगे जो बाइडेन के घर और निजी दफ्तर में मिले सीक्रेट दस्तावेजों की पूरी कहानी क्या है, सीक्रेट दस्तावेजों की बरामदगी के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्यों हमलावर हुए जा रहे हैं और इस घटना का बाइडेन और अमेरिका की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज कहानी अमेरिका में मचे राजनीतिक हंगामे की। अमेरिका के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि एक साथ दो राष्ट्रपतियों के खिलाफ स्पेशल जांच बिठाई गई हो। मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनसे पहले राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप, दोनों पर सीक्रेट फाइल्स को चुराने का आरोप लगा है और उनके खिलाफ कानूनी जांच शुरू भी हो चुकी है। पहले डोनाल्ड ट्रंप वाला केस समझ लेते हैं। ट्रंप 21 जनवरी 2017 को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 20 जनवरी 2021 को खत्म हुआ। वो राष्ट्रपति चुनाव पहले ही हार चुके थे। उन्हें दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने वाला था, इसलिए उन्होंने व्हाइट हाउस से अपना निजी सामान शिफ्ट करना पहले ही शुरू कर दिया था। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक दफ्तर और घर है। इसी इमारत के पश्चिमी हिस्से में ओवल ऑफिस है। ओवल ऑफिस में ही राष्ट्रपति बैठते हैं। ट्रंप के बारे में बात चर्चित थी कि वो ऑफिशियल दस्तावेज लेकर पूरे व्हाइट हाउस में घूमते हैं। वो उन दस्तावेजों को अक्सर अपने बेडरूम में भी ले जाया करते थे। कहा जाता है कि शिफ्टिंग के दौरान वे सारे डॉक्यूमेंट्स ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर तक पहुंच गए। इनमें से कई सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स थी। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट यानी कि PRA के तहत ट्रंप को उन फाइलों को नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NARA के पास जमा कराना था। NARA एक स्वतंत्र फेडरल एजेंसी है जो सभी सरकारी और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स का संरक्षण करती है। आपने NARA समझा, अब प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट यानी कि PRA के बारे में भी जान लीजिए ये क्या है। अमेरिका में 1978 से पहले तक राष्ट्रपति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स उनकी निजी संपत्ति होते थे। ये राष्ट्रपति की मर्जी पर निर्भर था कि वे डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या करना चाहते हैं। वे उन्हें अपने साथ ले जा सकते थे या मन हो तो नेशनल आर्काइव्स में जमा भी कर सकते थे। फिर 1972 में वाटरगेट स्कैंडल का चैप्टर शुरू हुआ। वॉशिंगटन पुलिस ने डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी यानी कि DNC के हेडक्वार्टर में घुसपैठ करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 4 सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी कि CIA के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे। 5वां व्यक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के पूर्व वकील की कमेटी का सिक्योरिटी चीफ था। निक्सन प्रशासन ने स्कैंडल से पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। निक्सन के ऊपर महाभियोग का खतरा मंडराने लगा। आखिरकार अगस्त 1974 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। रिचर्ड निक्सन अमेरिका के अब तक के इतिहास में इस्तीफा देने वाले इकलौते राष्ट्रपति हैं। निक्सन के इस्तीफे के बाद जेराल्ड फोर्ड राष्ट्रपति बने। उन्होंने निक्सन को क्षमादान दे दिया। इसके बाद अमेरिका में ये बहस चली कि अगर वाटरगेट की जांच से जुड़ी फाइल्स निक्सन के हाथ लग गई तो वे उनको बर्बाद कर सकते हैं, रिकॉर्ड से मिटा सकते हैं।
अमेरिका की संसद कांग्रेस उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक नया कानून बनाने का फैसला लिया। 1978 में कांग्रेस ने प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एक्ट को मंजूरी दे दी। पीआरए में नए प्रावधान लाए गए। इसमें सबसे अहम ये था कि प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसकी निजी संपत्ति नहीं रहेंगे, उन रिकॉर्ड्स को पब्लिक प्रॉपर्टी माना जाएगा और व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले उन्हें नेशनल आर्काइव्स के पास जमा कराना होगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। पीआरए के मुताबिक इसमें वे चीज़ें शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रपति या उनके स्टाफ मेंबर्स ने ड्यूटी पर रहते हुए कहीं से रिसीव किया हो या खुद से तैयार किया हो। इसमें विदेशी नेताओं के साथ मुलाकात के मिनट्स हो सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति का कोई आधिकारिक आदेश हो सकता है। किसी दूसरे देश के साथ संबंध को लेकर बना प्लान हो सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स में क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति के निजी डॉक्यूमेंट्स को प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं माना जाता, मसलन पर्सनल डायरी, पॉलिटिकल कैंपेन से जुड़ी फाइल्स, खुफिया एजेंसियों से मिलने वाली फाइल्स। खुफिया फाइल्स पीआरए का हिस्सा नहीं है, उन्हें फेडरल रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत रखा जाता है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को 1978 से पहले भी कुर्सी छोड़ रहे राष्ट्रपति अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। ट्रंप ने पीआरए का उल्लंघन किया था। उन्हें जनवरी 2021 में सारे प्रेसिडेंशियल रिकॉर्ड्स एनएआरए के पास जमा कराने थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वे उन्हें अपने फ्लोरिडा वाले घर ले गए। कुछ समय बाद एनएआरए ने अपने रिकॉर्ड्स का मिलान किया और उन्हें पता चला कि ट्रंप ने सैकड़ों फाइल्स नहीं लौटाई हैं। उन्होंने ट्रंप से उन्हें लौटाने के लिए कहा। तब ट्रंप की टीम ने 15 बक्से वापस किए। इनमें से कई क्लासिफाइड फाइल्स भी थी। हालांकि एनएआरए इतने से ही संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट से मदद मांगी। जस्टिस डिपार्टमेंट ने समन भेजा, फिर उन्हें और दस्तावेज मिले, ये भी नाकाफी थे। आखिरकार अगस्त 2022 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई ने ट्रंप के फ्लोरिडा वाले घर पर छापा मारा। उस समय ट्रंप अपने घर पर नहीं थे। छापेमारी में 11,000 से अधिक डॉक्यूमेंट्स और तस्वीरें जब्त की गईं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप के पास से 300 से अधिक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिन्हें किसी सरकारी दफ्तर के अंदर ही एक्सेस किया जाना था। कुछ दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ के सबूत भी मिले थे। इन सब के अलावा इस बात की पूरी आशंका है कि ट्रंप ने कई डॉक्यूमेंट्स हमेशा के लिए गायब कर दिए। इस मामले की जांच अभी भी चल रही है। अब आपको जो बाइडन वाला मामला भी समझाते हैं। व्हाइट हाउस की इमारत के पास पेन बाइडन सेंटर नाम के एक थिंक टैंक का दफ्तर है। जो बाइडन जनवरी 2009 से जनवरी 2017 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे। 2018 में पेन बाइडन सेंटर बना। तब से लेकर चुनाव जीतने तक ये सेंटर जो बाइडन का दफ्तर बना रहा। इस अवधि में वो सरकार में किसी भूमिका में नहीं थे। जनवरी 2021 में बाइडन व्हाइट हाउस में रहने चले गए। 2 नवंबर 2022 को पेन बाइडन सेंटर में कुछ बक्से मिले। इनमें लगभग 10 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे। बाइडन की टीम का दावा है कि इसका पता लगते ही उन्होंने तुरंत जस्टिस डिपार्टमेंट से संपर्क किया और उन्हें स्थिति से रूबरू करा दिया। एफबीआई ने इसका आकलन शुरू किया। 20 दिसंबर को व्हाइट हाउस ने जस्टिस डिपार्टमेंट को बताया कि बाइडन के घर पर कुछ और सीक्रेट दस्तावेज मिले हैं, उन्हें भी बरामद कर लिया गया। 11 जनवरी की शाम बाइडन के डेलावेयर वाले घर में भी पड़ताल चली। इसके बाद ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आई। सबसे पहले सीबीएस न्यूज़ ने इसकी रिपोर्ट छापी। उसके बाद बाकी मीडिया संस्थानों ने व्हाइट हाउस को लपेटना शुरू किया। उन्होंने राष्ट्रपति पर जानकारी छिपाने के आरोप लगाए। इस मामले पर बाइडन ने कहा कि उन्हें इन दस्तावेजों के बारे में पहले से पता नहीं था, वो जाँच में पूरा सहयोग करेंगे। सुनिए। People know I take classified documents and classified material seriously. I also said we're cooperating fully and completely with the Justice Department's review. As part of that process, my lawyers reviewed other places where documents from my time as vice president were stored, and they finished the review last night. They discovered a small number of documents of classified markings in storage areas and file cabinets in my home and my personal library. अमेरिका के अटर्नी जनरल मेरिक गार्लैंड ने बाइडन वाले दस्तावेजों की जांच के लिए रॉबर्ट हूर को स्पेशल काउंसिल नियुक्त कर दिया है। रॉबर्ट हूर कोरियाई मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उन्हें ट्रंप सरकार ने 2017 में मेरिलैंड का अटर्नी जनरल नियुक्त किया था। 2021 के बाद से वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि वो निष्पक्ष जांच करेंगे। स्पेशल काउंसिल विशेष परिस्थिति में ही नियुक्त किए जाते हैं, वो भी तब जब हितों के टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। जस्टिस डिपार्टमेंट में अधिकतर लोग बाइडन सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, इसी वजह से एक स्वतंत्र अटर्नी को जाँच की कमान सौंपी गई है। स्पेशल काउंसिल को ये पता करना है कि बाइडन के घर और निजी दफ्तर में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स कैसे पहुंचे और क्या उन डॉक्यूमेंट्स का कोई गलत इस्तेमाल हुआ, और इस पूरे एपिसोड में बाइडन की भूमिका क्या थी। एक तरफ तो जांच चलेगी, मगर दूसरी तरफ विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी ने बाइडन की नींद उड़ा रखी है। हालिया मिड टर्म इलेक्शन के बाद से रिपब्लिकन निचले सदन में बहुमत में हैं।
इस नाते वे पार्टी और उनकी कैबिनेट के खिलाफ जांच शुरू करवा सकते हैं और उन्हें पूछताछ के लिए भी बुला सकते हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी ने क्या कहा, ये भी सुनते हैं। But I think Congress has to investigate this. Here's an individual that's been in office for more than 40 years. Here's an individual that sat on 60 Minutes that was so concerned about President Trump's documents locked in behind, and now we find it just as a vice president keeping it for years out in the open in different locations. जानकारों का कहना है कि भले ही इस मामले में बाइडेन सहयोग देने की बात कर रहे हैं, फिर भी उन्हें अगले दो बरस तक सहम कर काम करना होगा। विपक्ष उनके ऊपर ज्यादा हमलावर होगा, इसका असर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव पर भी पढ़ सकता है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अब आपके काम की जानकारी। अगर आप भी दुनियादारी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपके लिए एक बढ़िया मौका है। कैसे? आप भारत से बाहर दुनिया के किसी भी देश में रहते हैं और वहाँ की किसी इमारत, पकवान, संस्कृति या कुछ भी दिलचस्प चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप कोई तस्वीर या वीडियो भेज सकते हैं। तस्वीर या वीडियो के साथ दो चार लाइन में डिस्क्रिप्शन दें और साथ में अपना परिचय भी बताएं। हम उस जानकारी को आपके नाम के साथ अपने शो में दिखाएंगे। हमारा पता है dunyadari@lalantop.com। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अब अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। शुभरात्रि।